अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आपके ऊपर हरूफ लग चुका है तो वो कैसे आप खत्म कर सकते हो। दोस्तों इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में सवाल है कि अगर हमें 5 साल 10 साल 20 साल हो चुके हैं सऊदी अरब में, अभी क्या हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारा हरूफ रिमूव होगा या नहीं होगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में और भी हरूफ को लेकर जानकारी देंगे जिसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा कि अभी हम सफ़र कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब तक कि आपको कुछ भी कंफर्म ना हो जाए, कुछ क्लियर ना हो जाए, तब तक किसी भी एजेंट को किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है कि हमारा प्रूफ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बिना जानकारी के भी आपसे पैसा ले सकते हैं और आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हरूफ का सिस्टम क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हरूफ उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और अपने कपिल के पास से भाग जाते हैं, दूसरे कपिल के पास में काम करते हैं, तो उनके ऊपर हरूफ यानी इनहास का केस रख दिया जाता है। जो आपका कपिल हो जाकर मकतब में बोल देता है कि हमारे पास ये आदमी नहीं है, अब हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, यह आदमी की हमारी कुछ भी अब जिम्मेदारी नहीं रहेगी, यानी वो कन्फर्म बता देता है और लिखित प्रमाण भी दे देता है। उसके बाद में जो भी जिम्मेदारी वो सारी उसकी खत्म हो जाती है, आपके ऊपर हरूफ का केस लग जाता है, यानी एक तरह से कानून का उल्लंघन का केस लगता है। दोस्तों अगर आपका इकामा रेनुअल नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसकी फीस भरकर आप दोबारा जो है अपना इकामा रेनुअल कर सकते हो और फिर अपना एग्जिट करते हो, फिर आप सफ़र करना चाहते हो तो सफ़र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप छूट में जाते हो और सऊदी अरब से घर चले जाते हो, 2-4 महीने 1 साल 2 साल 10 साल बीतता है, तो भी आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि अगर आपके ऊपर छोटा से छोटा केस लगता है, चाहे वो कोई भी केस है, सऊदी अरब का छोटा से छोटा केस अगर लग जाता है, चाहे वो कोई हो, तो वहाँ पर आप सऊदी अरब में दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हो। आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल है कि हम क्लियर कैसे करेंगे, अगर हमारे ऊपर केस लगा है तो हम कैसे क्लियर करेंगे, नहीं लगा है तो कैसे क्लियर करेंगे। दोस्तों इसके लिए हमने कई वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि आपको डायरेक्ट जाना है MOL.gov.sa की वेबसाइट पर। वहां पर जाकर आप इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर डालकर चेक कर सकते हो कि हमारा अभी हरूफ लगा है, नहीं लगा है, बैन है, नहीं है, हम सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में भी काफी ज्यादा सवाल होंगे। यहां पर आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर चेक कर लेना है। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर के साथ में, समस्या के साथ में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और वो भी फ्री में। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी फ्री में हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका अभी प्रूफ लगा है नहीं लगा है, आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो नहीं कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।